नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 53° ईस्ट आपको सेट करके दिखाने वाले हैं। 53° ईस्ट पे आज की डेट में कितने चैनल आपको मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। बिना स्किप करे दोस्तों आपको वीडियो को देखना होगा ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपके अपने यूट्यूब चैनल पाल डिश नेटवर्क पर देखने को मिले। दोस्तों ये सामने जो डिश देख रहे हो, डिश टीवी की, ये हमारी 2 फीट डिश एंटीना है। और ये जो डिश देख रहे हैं दोस्तों बहुत ही काफ़ी पुरानी डिश है। इस पर हमने जो है ट्रैक किया है 53° ईस्ट। 53° ईस्ट हमने इस बहुत ही पुरानी छतरी है जो हमने खरीदी थी दोस्तों, तो ये बहुत पुरानी डिश एंटीने पर हमने सेट किया है 53° ईस्ट। तो यहाँ से पीछे से आप देख सकते हो इसकी पोजिशन किस तरह की रहने वाली है। यहाँ पर जो आपको पोजिशन दिखाई जा रही है इस तरीके से पोजिशन पीछे से रहने वाली है, ये देखिए। और जो ये हमारी साथ में जो डिश टीवी की है, ये डीडी फ्री डिश पर सेट है। और एलएनबी पोजीशन आप यहाँ पे 53° ईस्ट की एलएनबी पोजीशन भी देख सकते हो, एलएनबी पोजीशन किस तरह की है। तो ये एलएनबी पोजीशन रहने वाली है। इस तरह से आपको एलएनबी पोजीशन रखनी होगी अपने डिश एंटीना अगर आप 53° ईस्ट जो है सेट करने वाले हैं। तो ये आगे की तरफ से भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए आगे की पोजीशन जो है हमारी एलएनबी की। अगर आप अपने डिश के पीछे आगे से खड़ोगे देखोगे तो आपकी एलएनबी पोजीशन जो है इस तरीके से ही रहेगी, ये देखिए। तो अभी ये जो वायर है काले वाली, ये मेरी गई है सही डायरेक्ट सेटअप बॉक्स में गई हुई है। काली वाली वायर ये डायरेक्ट मैंने सेटअप बॉक्स में लगा दी है, क्योंकि ये 53° ईस्ट को मैंने सेट कर दिया था। सेट करने के बाद आपको नीचे भी लेके चलूँगा कि आज की डेट में जो है कितने चैनल मुझे देखने को मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं। तो ये डिश टीवी की है दोस्तों, एलएनबी पोजीशन देख लीजिए, डीडी फ्री डिश पर है। वो वीडियो कौन की जो HD दिख रही है वो 40° ईस्ट पर है। तो ये डिश टीवी की है और वो वीडियो कौन की है वो 40° ईस्ट पर सेट है। और ये डिश टीवी डीडी फ्री डिश पर सेट है। और दोस्तों ये जो है 53° ईस्ट की है, देख सकते हैं आप 53° ईस्ट की पोजीशन जो है इस तरह से रहने वाली है। 2 फीट डिश एंटीना है दोस्तों, आपके पास इस तरह का डिश एंटीना है तो आप भी ट्रैक कर सकते हो पूरे भारत में कहीं पे भी। तो 53° ईस्ट में हमें कितने चैनल मिलेंगे या नहीं मिलने वाले हैं, क्या TV फ्रिक्वेंसी रहने वाली है, तो चलते हैं दोस्तों TV के पास और वहाँ पर देखते हैं कितने चैनल मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने TV के पास और आप यहां पे देख सकते हो सिग्नल जो कि बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं मुझे 53° ईस्ट पे दोस्तों। तो यहां पे मुझे 52° और 53° दोनों के सिग्नल मिल जाते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात है दोस्तों, कुछ समय पहले मुझे दोनों के सिग्नल मिल जाते थे 52° और 53° के। अब देखते हैं दोस्तों क्या मुझे उसके भी सिग्नल यहाँ पर रिसीव होते हुए नज़र आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये TP फ्रिक्वेंसी आप नोट कर सकते हो दोस्तों, 2 फीट डिश एंटीने पर आप इंडिया के किसी भी हिस्से में रहते हो दोस्तों, 2 से 3 फीट डिश एंटीने पे आप इसे ट्रैक कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको ट्रैक करके दिखाया कि मेरे पास जो डिश एंटीना है वो बहुत ही पुराना डिश एंटीना है दोस्तों, वो कम से कम 4-5 साल पहले ये एंटीना चलता था दोस्तों टाटा स्काई एयरटेल में। अब ये एंटीना नहीं आता है, उसी पे मैंने आपको ट्रैक करके दिखाया है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको वीडियो कॉन के DTH एंटीने पर दिखाता था दोस्तों। तो यहाँ पर बात देखते हैं कि 53° क्या हमें कौन से कितने चैनल यहाँ पर रिसीव होते हैं, 52° के भी क्या हमें यहाँ पर रिसीव होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको स्कैन करके दिखाने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे बिना स्किप करे आपको वीडियो को देखना होगा। अगर आप स्किप करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सी टिप, बाद में आप TP फ्रिक्वेंसी के लिए अब स्ट्रॉन्ग TP दो यही रहती है 11560 हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल में है 10500, इस TP फ्रिक्वेंसी पर आप ट्रैक कर सकते हो 53° ईस्ट 2 से 3 फीट डिश एंटीने पे। जहाँ पे 2 पे ट्रैक नहीं होती है वहाँ पे आप 3 फीट डिश एंटीना या 4 फीट डिश एंटीना यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 फीट डिश एंटीने पे बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। तो बिना किसी देरी पे हमें ब्लाइंड स्कैन करेंगे और आपको दिखाएंगे फ्री टू एयर आज की डेट में 2024 में तो हमें कितने चैनल मिलते हैं यहाँ पर, या 52° या 53° दोनों के भी चैनल रिसीव हो जाते थे मुझे। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर रिसीव होंगे या नहीं। तो बिना किसी देरी के रिमोट की सहायता से हम यहाँ पे कर लेते हैं ब्लाइंड स्कैन। तो यहाँ पे FTO को कर लेते हैं यस, क्योंकि हमें फ्री वाले TV चैनल चाहिए। और रेडी TV को कर लेते हैं ऑल, दोनों चैनल हमें यहाँ पे रिसीव हो जाते हैं। ओके का बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने ओके का बटन प्रेस कर लिया है। और एक्सप्रेस EM 6 53° ईस्ट, तो आज की डेट में हमें कितने चैनल मिलने वाले हैं
तो यहाँ पे बिना स्किप करे आपको वीडियो को देखना होगा, सभी चैनल यहाँ पर आपको दिखाएंगे दोस्तों। लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको चैनल चला के दिखाएं, लेकिन कॉपीराइट दोस्तों यूट्यूब की गाइडलाइन को यहाँ पर पालन करते हुए हम आपको चैनल चला के नहीं दिखा सकते हैं। सिर्फ वहाँ पर आपको सिर्फ नाम ही दिखाएंगे कि आज की डेट में हमें कितने चैनल यहाँ पर मिल सकते हैं। इस टीपी फ्रिक्वेंसी पे अच्छे खासे मुझे 2 से 3 फीट डिसेंटीने पे लोकेशन पर प्राप्त हो जाते हैं। अब काफ़ी भाइयों के यहाँ पे कमेंट रहते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है सर, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हरियाणा करनाल से हूँ, तो ये मेरी लोकेशन रहने वाली है। इस लोकेशन पर करनाल में मैं हरियाणा 2 से 3 फीट डी सेंटीने पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर मैं ट्रैक कर सकता हूँ बिना किसी रुकावट के दोस्तों। पे जो है मेरे सभी चैनल स्कैन हो चुके हैं और मैं यहाँ पे ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ओके का बटन प्रेस कर लेती है। अभी एक बार फिर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं एग्जिट का बटन दबाता हूँ और चलता हूँ टीवी चैनल लिस्ट में। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ टीवी चैनल लिस्ट में, यहाँ पर फिल्मी HD चैनल जो कि मेरा चलता है दोस्तों, फिल्मी HD चैनल यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर बात करें तो वतन HD चैनल की, तो यहाँ पर दोस्तों वतन HD चैनल भी मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है। टेस्ट टू चैनल यहाँ पर देखिए, टेस्ट टू चैनल भी चल रहा है। और झूमर चैनल की बात करें तो झूमर चैनल भी यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे 94 चैनल के बाद DD बंगला, झूमर, वतन HD, फिल्मी HD, PK स्पोर्ट्स भी देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर PK स्पोर्ट्स की बात करें तो PK स्पोर्ट्स की जगह आपको दंगल चैनल देखने को मिल रहा है। PK स्पोर्ट्स की जगह दंगल चैनल आप देख सकते हैं। रानी रफदे करके भी एक चैनल यहाँ पर चल रहा है, रासा TV, इलेक्सा TV यहाँ पर चल रहा है, वतन HD चैनल यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि जो कि हमारा 40° ईस्ट में भी आ जाता है और